मैं सुभाष चंद्र, शिक्षाविद, दलित चिंतक, दलित विचारक, वाइस चेयरमैन स्टेट टास्क फोर्स हरियाणा, वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा, समस्त देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ये अपील और विनम्र निवेदन करता हूँ। जैसा कि हम सब पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जल्द ही श्री राम जन्मभूमि का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आने वाला है। आदरणीय देशवासियों, प्रदेशवासियों, निर्णय कोई भी हो, निर्णय किसी के भी पक्ष या विपक्ष में हो, लेकिन भारतीय प्रणाली लोकतंत्र प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली है। हम सबको इस न्यायिक प्रणाली का सम्मान करना है। निर्णय किसी के भी पक्ष में आए, हमें भाईचारे को प्राथमिकता देनी है, भाईचारा बनाए रखना है। यही हम सबका ध्येय होना चाहिए, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मैं देश के, प्रदेश के सभी जनता जनार्दन से, जनमानस से ये अपील करना चाहूँगा कि हम सब भाईचारा बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, प्रेम प्यार बनाए रखें और हम इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। हमें न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था रहनी चाहिए। मैं सभी देशवासियों को पुनः ये प्रार्थना करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप निर्णय किसी के भी पक्ष में विपक्ष में आए, हमें निर्णय का सम्मान करना है और भाईचारे को बना करके रखना है, अपने माहौल को बिगड़ने नहीं देना। ऐसी सभी ताकतों से सचेत रहना है, जागरूक रहना है, जो माहौल बिगाड़ने के लिए समय समय पर अपने प्रयास करती रहती हैं। मैं सभी देशवासियों का हृदय की गहराइयों से, प्रदेशवासियों का हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।